जबरदस्त जबरदस्त नहीं बारह कर बहुत शुक्रिया। बस मैं आपका फीडबैक लेना चाह रहा था ताकि जो लोग मेरी वीडियो देखकर यहाँ पर आए तो उनको सही गिटार लाने की देर है, पूरा कॉन्सर्ट स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर। हाँ भैया कैसे हैं आप? ये क्या बारबेक्यू है? ये वो है क्या? बोटियाँ हैं ना ये? तो अफवानी बोटी है। कितने की प्लेट है यार ये? 540 रुपए की। अच्छा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुफियान कराची लाइफ स्टाइल से। अच्छा जी आज मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी में, जो यहाँ पे A1 पिशावरी चपली कबाब वाला है। यहाँ पर आया हूँ आज, देखते हैं कि यहाँ पे और चपली कबाब के अलावा और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे रौनक है, कहीं जो है टिक्के बन रहे हैं, कहीं जो है पराठे बन रहे हैं, कहीं मछली चली जा रही है। तो चलिए देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप लोगों को खाने चाहिए। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। देखिए ये इसका जो है रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा इन्होंने करके बना दिया, A1 पिशावरी बारबेक्यू एंड फास्ट फूड। तो ऊपर बाकायदा फैमिली हॉल बनाया हुआ है इन्होंने। और पहले ये देखें ज़रा आप पूरा यहाँ की रौनक देखें आप। ये यहाँ पे क्या टाइमिंग वगैरह क्या है? ऐसे ही रहते यहाँ पे खुला रहता है ये? कब तक का टाइमिंग क्या है यहाँ पर? चार बजे तक है। ज़बरदस्त यार। सुबह कितने बजे खुलती है? 8 बजे। अच्छा जी शाम को तो पूरा दिन शाम को। वहाँ रोटियाँ बन रही हैं, यहाँ पे रोटियाँ बेली जा रही हैं, सब एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, हर बंदा अपने काम में माहिर है। अच्छा जी ये क्या बन रहा है यहाँ पर? चिकन बोनलेस। ज़बरदस्त। और आपके पास और क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं? ये क्या मटन कीमा? मटन कीमा। तो ये क्या कितने की प्लेट है? ये 450 की। 450 ये देखिए लाइव चिकन बनते हुए देखें आप लोग, इनका हाथ देखिए तो प्रोफेशनली चला रहे हैं, फटाफट फटाफट बनता है। नई भी भूख लग रही हो तो इनको देख के लगने लगेगी भूख। ये चिकन कलेजी भाई। ये चिकन कलेजी है, ये कितने की प्लेट है? ये 220 रुपए की प्लेट है। और ये दाल मांस तवा पर है, ये 160 की। वैसे चपली कबाब आपका ज़्यादा मशहूर है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें खास होती हैं, फेमस कौन सी हैं? जी जो है नाम आपका मज़ेदार मज़े का होगा जी। अच्छा ये देखिए जी ये पार्सल के लिए ऊपर जा रहा है, जो ऊपर लोग बैठे हुए ना उनके लिए ले लेके जा रहे हैं, फुल मसाला वगैरह छिड़क कर। चलें ज़रा और देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। वो बारबेक्यू बन रहा है, उस तरफ चलते हैं। ये देखिए जी यहाँ पे ये बारबेक्यू बन रहा है, ज़बरदस्त। भूख खुल गई मेरी, हालांकि मैं खाना खा के घर से निकला था लेकिन यहाँ पे आगे ना ऐसा लगा भूख दोबारा खुल गई है मेरी। हाँ भैया कैसे हैं आप? ये क्या ये बारबेक्यू है? ये वो है क्या बोटियाँ हैं ना ये? तो अफवानी बोटी है। कितने की प्लेट है यार ये? 540 रुपये की। अच्छा और किलो का क्या हिसाब है? आधा किलो, एक पाव वगैरह? एक पाव किलो हिसाब नहीं पता।
प्लेट का हिसाब है भाई यहाँ पर 540 रुपए की। ये देखिए अफगानी बोटी। ये देखिए पार्सल तैयार हो गया है। यहाँ पे उन्होंने ऊपर भी इसके लवाज़ माज रखे हुए हैं इसके ऊपर टॉपिंग करने के लिए। ये जो है घी है इसके ऊपर छिड़कने के लिए। और यहाँ पे ये अफगानी बोटियाँ हैं ना ये, आप इसके अंदर पिरो रहे हैं। अच्छा क्या प्रोसेस क्या है इसका? ये चिकनाई है, ये चर्बी है, ये अफगानी बोटी है। अच्छा इसको मिक्स करके फिर वो बनाते हैं जी। ज़बरदस्त यार, मैंने अभी तक सच्ची बात है कि वो जो अलासिफ है ना वहाँ की खाई है, यहाँ की अभी तक ट्राई नहीं की। लेकिन चलें दोबारा चेक करवाएंगे, खाएंगे ज़रूर खाएंगे। अभी तो मेरे साथ बहुत सारे लोग और भी देख रहे हैं। पहले मैं समझता था कि खाली यहाँ पे चपली कबाब मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भाई ठीक ठाक जो है वैरायटी। ये ख़त्म हो गया क्या है यहाँ पर? अफगानी पुलाव भी था इनके पास, ज़बरदस्त। ये मैंने आप लोगों को इस तरफ से थोड़ा हिस्सा दिखाया है जिसमें अफगानी पुलाव दिखा। अफगानी पुलाव तो क्या ख़त्म हो चुका है इनके पास, अफगानी बोटियाँ बन रही हैं यहाँ पर लाइव। इस दूसरी तरफ जो है इस तरफ मेरे लेफ्ट साइड पर जो है वाइट कढ़ाई बन रही है, वाइट चिकन की वो जो मलाई बोटी कहलाती है ना वो बना रहे थे लाइव। तो चलिए और देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो लोग खाने पीने के लिए आए हैं यहाँ पर, ज़रा उनसे भी बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं और पूछते हैं कि भाई कैसा उनका एक्सपीरियंस है। तो चलिए जी, ये देखिए ये लाइन से इन लोगों ने सारी टेबल्स वगैरह लगाई हुई हैं जो यहाँ पे आगे खाने वाले लोग होते हैं। जेंट्स के लिए जो है नीचे पूरा सेटअप बनाया हुआ है, और जो फैमिली के साथ आते हैं वो ऊपर उनके लिए बाकायदा हॉल बनाया हुआ है। तो अभी तो खैर ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे ख्याल आए नहीं है, टिशू पेपर रखे हुए खाली। और यहाँ पर भी अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अभी तक आप लोगों ने मंगवाया नहीं, ऑर्डर कर चुके हैं? ऑर्डर कर दिया। तो कैसा है यहाँ का एक्सपीरियंस, आप लोगों ने पहले कभी किया है? पहले कभी खाए? अच्छा वैसे चपली के कबाब के अलावा और क्या यहाँ पे अच्छी चीज़ होती है? बोटी अच्छी है, क्योंकि लोग सिर्फ वो अलासिफ की बोटी अब तक जानते हैं, लेकिन लोगों को अगर नहीं पता तो आप बताइए। अच्छा चलिए, तो अच्छा यहाँ पर आ चुका है तो मुख्तलिफ में मतलब आपको टेबल दिखा रहा हूँ, कहीं जो है लोग ऑर्डर कर चुके हैं, कहीं ऑर्डर करके खाना स्टार्ट हो चुका है, तो ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पर। चलिए जी चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और इसके बराबर में कोई कॉर्न सूप की है, कॉर्न सूप भी है, आइसक्रीम वगैरह की शॉप खुली हुई है, ये बेचारे खाली बैठे हुए। चलें बहरहाल आगे चलते हैं। तो सर आप लोगों ने क्या मंगवाया है और क्या चीज़ यहाँ पे स्पेशल है? हम लोगों ने जो है नहारी मंगाई थी, नमकीन टोस्ट मंगाया था, जो खा चुके हैं अभी हम लोग, जो है तवा कीमा यहाँ का। क्या नहारी भी मंगवाई थी? हाँ नहारी भी होती है इनके पास। अच्छा बड़ा मशहूर है, बड़ी दूर से आते हैं। अच्छा जबरदस्त नहीं, बारह का बहुत शुक्रिया। बस मैं आपका फीडबैक लेना चाह रहा था ताकि जो लोग मेरी वीडियो देखकर यहाँ पर आए तो उनको सही जो है मैसेज मिले, क्योंकि मैं तो सिर्फ तारीफ करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो आप लोग खाने वाले हैं ना वो सही गाइड करते हैं। चार पाँच दोस्त पैसे मिला के अच्छा खाना खा लें। हाँ हाँ अमेरिकन सिस्टम बेस्ट है। चलिए जी थैंक यू सर। तो माशाल्लाह अंकल की उम्र है, जाहिर है इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जिस तरह से इन्होंने हाथ चला रहे हैं अपना फटाफट फटाफट। तो अभी तो सब कुछ वाइट है लेकिन मसाले डालने शुरू कर रहे हैं ये। अभी से इनको ज़ाहिर है डिस्टर्ब तो कर नहीं सकते, लेकिन पूछेंगे हम इनसे कि क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो अंकल बताते रहिएगा प्लीज़। नहीं इनकी रेसिपी आउट हो जाएगी अगर बता देंगे तो सही बात है भाई, इनकी रेसिपी जो है लीक हो जाएगी ना। अच्छा वो तेरी फुल म्यूजिक के साथ बना रहे हैं भाई, मतलब आप खाने का खाना पक रहे हैं और ढोल का ढोल बज रहा है। क्या बात है, खाली बस गिटार की गिटार लाने की देर है, पूरा कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। वाह यार जबरदस्त।
इसके लिए कल मेरे साथ मौजूद हैं जो वी आई पी तरीके से बना रहे हैं स्टाइल देखें पंजाब कल और वैसे मगज जो है साढ़े 400 रुपये बगैर मगज मतलब नॉर्मल मगज की 450 की है और स्पेशल कोई मगज है तो उसकी 550 की है 550 के अच्छा दिल गुर्दा मगज का पूरा अच्छा जो काम ही करता है पूरा 900 की प्लेट है और 1000 रुपये की प्लेट है अच्छा अच्छा जो मिक्स होते हैं अच्छा स्पेशल मगज होता है तो पूरे के साथ मगज के साथ खुशबुएँ ऐसी आ रही हैं यहाँ पर इस वक्त कहीं से किसी तरह की खुशबू आ रही है कहीं से किसी तरह की खुशबू आ रही है ज़बरदस्त अच्छा जी अब चलते हैं चपली कबाब की तरफ मैंने सब चीज़ें आप लोगों को दिखा दी हैं अब बल्कि यहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही है पहले फ़िश फ्राई होते हुए देखते हैं कैसे हो लड़के ठीक ठाक हाँ भाई कौन सी फ़िश है आ रही है ये सारम हाँ सारम ये कितने की प्लेट है 1400 रुपये किलो है 1400 रुपये किलो है अच्छा ये देखिए जी ये क्या बना रहे हैं आप कढ़ाई और ये मटन कढ़ाई है वो चिकन कढ़ाई है अच्छा दोनों मटन है लेकिन ये वाइट लग रही है वाइट है वो शाही कढ़ाई है ज़बरदस्त अच्छा खासी मतलब यहाँ पे तो पूरी वैरायटी है मैं तो सोच कर आया था कि खाली जो है मुझे खाली चपली कबाब मिलेंगे लेकिन यहाँ पे तो पूरा शहर बनाया हुआ है छोटा सा खाने पीने का मुझे लग रहा होगा कि आप लोग देखकर वीडियो मुंह में पानी आने लगा होगा आप लोगों के जिस तरह से मैंने अभी चीज़ें आप लोगों को सब दिखाई हैं कहीं पराठे बन रहे हैं तो कहीं फिश बन रही है तो कहीं कढ़ाई बन रही है मैं खाना खाकर आया था लेकिन मेरी भूख खुल गई सब चीज़ें देखकर दाल 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 भाई पानी दाल बस यार चार चांद लगा दिए चले भाई बहुत शुक्रिया मैं तो अब चपली कबाब की तरफ चलता हूँ ये देखिए जी ये इन्होंने स्पेशल मुझे यहाँ पे अलाउ किया है वीडियो बनाने के लिए ये मटन स्पेशल कबाब है एक पाव एक पाव का है एक पाव का मटन स्पेशल एक पाव मटन अंदर बिल्कुल कैमरे में आपको ले गया बिल्कुल समझ लें घी से खाली एक बारिश ऊपर हैं हम एक बारिश ऊपर हैं कौन सा चैनल है भाई मेरा कराची लाइफ स्टाइल के नाम से चैनल है यूट्यूब पे तो इंशाल्लाह ताला कल तक मैं आप लोगों की वीडियो पूरे इस एरिया की इंशाल्लाह अपलोड करूँगा देखिएगा आप लोग और अपने जो रिश्तेदार वगैरह हैं दोस्त अहबाब हैं उनको शेयर कीजिएगा ठीक है जी देखिए अंकल का हाथ देखिए कैसे चल रहा है फटाफट फटाफट और एक पाव का तकरीबन एक पीस है ये क्या ये क्या पाव है कबाब पाव वाला ये है अच्छा वालेकुम सलाम कैसे हैं ठीक ठाक हैं आप अल्लाह का बड़ा करम है बारह कर ले सर कुछ नहीं आपने इतनी बड़ी खिदमत करी है कि मुझे अलाउ कर दिया एक एक स्टॉल की मैंने पूरा कवर किया है वीडियो में बहुत शुक्रिया अंकल ये कबाब की कितने की है एक पाव 150 रुपये पाव है अच्छा 200 रुपये हो गया ये रेडी हो गया भाई अच्छा और इस तरह सारी फिशेज वगैरह बना रही हैं और ये जो है यहाँ पे कढ़ाई बन रही है यहाँ पे सारी सब्ज़ी कट कट के डाल रहे हैं तो ये पूरा आपको मैंने व्यू दिखा दिया देखें इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बड़ी पसंद आएगी हाँ अंदर ही इन्होंने सारा ये सब इन्होंने कीमा वगैरह बना के रखा हुआ है ये बीफ है वो स्पेशल है ये स्पेशल और बीफ में क्या डिफरेंस क्या है दोनों में इसमें अंडा होते हैं नली होते हैं जी अंडा नली अंडा और अच्छा अच्छा और ये बगैर मुर्चे ये चिकन है और ये मटन है अच्छा सही है चले अंकल बहुत शुक्रिया थैंक यू अच्छा जी ये थी आज की वीडियो पिशावरी सब्जी कबाब की इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी बहुत से लोगों को ये पता होगा कि यहाँ पे चपली कबाब मशहूर है लेकिन ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं तो उम्मीद है
कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी मेरे जरिए, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग आइएगा, विजिट कीजिएगा। और सबसे बढ़कर यहाँ पर एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी है, रेट बहुत ज़्यादा एक तो हाई फाई नहीं है, बहुत महंगी नहीं है, मुनासिब है, रीज़नेबल है। और दूसरा माहौल अच्छा है, साफ़ सुथरा माहौल है, अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, फैमिली के लिए बाकायदा ऊपर एक हॉल है। तो चलिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।